इतना बड़ा बड़ा मशरूम होता है तो उसके ऊपर फ्राई करके फिर खाते हैं। करना अगर क्या किस्मत है आज। नमस्ते दोस्तों, पिछले व्लॉग में आपने देखा हम मटके बनाने वाले के यहाँ गए थे और मटका बनाना भी सीखा। आज पूरी करते हैं ये विलेज सफारी। चलिए, ये जगह अच्छी लग रही थी तो हमने यहाँ स्टॉप ले लिया। जब पिकॉक को पहले पता चला तब ये डांस कर रहा है। ट्रीज के बीच के अंदर जो इस लेक पर बहुत सारे जानवर पानी पीने भी आते हैं। पानी पीने जाते हैं। हमारे यहाँ पे बाजरी होता है ओनली फॉर बारिश के टाइम। एवरी ईयर ओनली फॉर वन क्रॉप्स होता है। अच्छा, ये उस कास्ट में नहीं आते हैं। ये जिप्सी है। अच्छा, बहुत सारी गाय रोड पर घूम रही हैं। इसके बाद थोड़ी ऑफ रोडिंग करेंगे और देखेंगे ब्लैक बक्स मिलते हैं कि नहीं। यहाँ से ब्लैक बक्स या काली हिरन का एरिया शुरू हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर। ये तो भी छोटा है जो इतना बड़ा बड़ा मशरूम होता है। बिगर साइज। वाइल्ड लाइफ देखते हुए हमें ये जंगली मशरूम दिख गया। ये बहुत रेयर होता है क्योंकि सिर्फ बारिश के टाइम मिलता है। इसको मैं ना क्या करते हैं कि कोयल होता है ना, वो जलाते हैं, उसके ऊपर फ्राई करके फिर खाते हैं। इसका वेजिटेबल बहुत ही अच्छा है। सही है। पाउडर हो गया, बट ये पाउडर भी यूज लेते हैं। अच्छा, कभी बॉडी के अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए उसके अंदर ये पाउडर मिक्स करके खाने से वो ठीक हो जाता है। जल्दी वाइल्ड ग्रास है, राजस्थान का लेमन ट्री बोल सकते हैं इसका। लेमन की स्मेल है। बिल्कुल लेमन की स्मेल, एकदम लेमन। चले चले। वो देखिए किस तरफ भी रोड को क्रॉस करेगा। You are today. You are very lucky to see so many black bird. Thank you. वो देखिए। वाह, क्या jump किया। ये आपको pose दे रहा है। हाँ। Thank you भाई। Thank you. अरे देख भी रहा है। दोनों यही देख रहे हैं। Mostly male and male fight करते हैं। हाँ। Male and female की कभी fight नहीं होती। कितने मासूम जानवर हैं। कौन मारता है और क्यों? अरे ये जवान है। जवान है इसलिए देखिए पेड़ के साथ में fight कर रहे हैं। एक और वाइल्ड मशरूम दिख गया, पीछे रह गया। इसको चूल्हे पे पका के खाएंगे, फिर बताते हैं इन मशरूम का स्वाद कैसा होता है। बहुत कम लोगों ने खाया होगा ये मशरूम। ये जो है ना, इसकी वैरायटी काफी अच्छा है। ये पूरा काम है। अभी चलते हैं अगले गांव में ब्लॉक प्रिंटिंग का काम देखने। क्या नाम है आपका? नाम नत्थु खान। नत्थु खान, तो ये पूरा जो प्रिंटेड पीस है ब्लू कलर के अंदर डुबो देंगे। अब इसका रीजन कि मड क्यों लगाते हैं रेड की, मड होगा ना तो ब्लू कलर नहीं चढ़ेगा। बैकग्राउंड है पूरा ब्लू कलर में बनेगा। फिर गर्म पानी जिसको वॉश कर देंगे तो मड निकल जाएगा। बैकग्राउंड इसका पूरा ब्लू कलर में होगा। ये होते हैं ब्लॉक्स। क्या मतलब होते हैं ब्लॉक्स? वुडन होते हैं और कारपेंटर्स ब्लॉक्स बनाते हैं। हमारे पास तकरीबन मोर देन 20,000 ब्लॉक्स इस टाइप के।
20-25,000 ब्लॉक्स है। वॉशिंग मशीन टेंशन नहीं है, वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं। और भैया ये सब जो ब्लॉक प्रिंट आप करते हो ये फेड कितने टाइम में होता है? थ्रेड काउंट? हाँ थ्रेड काउंट भी बता दो। 20-20 है, फेड कपड़ा होता है भारी। अच्छा हैंडलूम कपड़ा होता है। ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी और बेडशीट्स की क्वालिटी भी सही लग रही थी। हमारा आखिरी स्टॉप है दरी बनाने वालों के यहाँ, जो 300 साल पुरानी टेक्निक यूज़ करते हैं। ये राजस्थान की जंगली घास बहुत अच्छे कार फ्रेशनर जैसे काम कर रही हैं। ये कुछ बर्तन रखे हैं और दीवारों पे अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं। इस तरफ छोटी सी हट्स बनी हुई है मिट्टी से, जिनके अंदर कूलर वगैरह लगा हुआ है। घर के आंगन में ये बड़ा सा नीम का पेड़ है, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे ही होते हैं। जो बनाते हैं दरी वो शूज़ नहीं पहनते, हम शूज़ पहन के कभी नहीं बनाते। इस काम को बोलते हैं दरी, कॉटन दरी है, 100% कॉटन, जो गुजरात से आता है इसका कॉटन थ्रेड। फिर उसके बाद में जो हम करते हैं ये दरी बनाने का काम, इस दरी को बोलते हैं इंटरलॉक वीविंग। अगर आपके घर में टाइगर है तो भी ये दैट इज टाइगर प्रूफ। टाइगर प्रूफ मतलब कि डॉग तो सब घर में होता है नॉर्मली, तो डॉग भी अगर इसके ऊपर रफ करेगा तो भी इसकी थ्रेड बाहर नहीं आएंगी। एक बार फिक्स हो गया तो वो इंटरलॉक होता था, तो अगर मैं यहाँ से थ्रेड निकालने की कोशिश करूँगा तो नहीं निकलेगा। वहाँ से जहाँ पे ये बना रहे हैं अभी मेरे पेरेंट्स, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। आई लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स लर्न फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। तो जनरेशन टू जनरेशन कोकोनट, वो वाला कोकोनट। तो इसके अंदर 10% कैमल के हेयर मिक्स है और 90% जूट। अच्छा, इसका भी दरी बनता है, वो रिसाइकलिंग होता है प्रोसेसिंग के साथ भी। जो हमने फैमिली देखा था बीच में जो सीप वगैरह लेके जा रहे थे, तो उनके पास में कैमल होता है। जो कैमल का सेविंग पता है वो एवरी ईयर वन टाइम होता है। आप प्योर वेजिटेरियन तो भी आपको फीस बता रहा। बहुत सुंदर दरी है। ये नेचुरल कलर में क्या क्या इसमें डाला? इंडिगो जो गुड़ आता है और कोयल जो हम चूल्हे में वगैरह लकड़ी चीज से। ब्लैक क्या आता है? कोल। कोल देखते हैं हमारा खाना कहाँ बन रहा है। मिलेट ब्रेड जो भी बना रहे हैं, जिसके अंदर हम जलाते हैं गुड़ एंड काउडे। सही है, गोबर के कंडे। नमस्ते दीदी। नेचुरल सब कुछ हमारे यहाँ पे बाजरी ग्रोविंग होता है गुजरात, उस तरफ बाजरा ग्रोविंग होता है, जिसका जो सीड होता है थोड़ा बड़ा साइज का होता है। ये वाइल्ड ग्रास है जो रूफटॉप हमारे पीछे हट्स बने हुए हैं, उसी सब पे ये डाला हुआ। खाने में है खेर सांगरी, बाजरे की रोटी, आलू सब्जी और चावल। तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये आ गए हैं जंगली मशरूम, बहुत ही टेस्टी है ना? खाना एकदम बढ़िया था। कोई बात नहीं, आप फोटो आ जाएगा। ए, फोटो तो नहीं कर करना कर। बहुत सारे। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ कल। मैं बनाती हूँ। एक अगर आप यहाँ आए तो ये विलेज लाइफ जरूर एंजॉय करें और मौका मिले तो ये जंगली मशरूम जरूर ट्राई कीजिए। इस विलेज सफारी की कॉस्ट 1,000 रुपये पर पर्सन आई। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, इनके पास कॉटेजेस हैं जो 3,000 से शुरू है।
अब चलते हैं वापस दिल्ली। कल रात लॉर्ड्स इन जोधपुर में रुकने का खर्च लगभग 2000 आया था और बफे डिनर लगभग 800 पर पर्सन का मिला। रास्ते में देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो दिखाते हैं। ये ओम बनाजी का मंदिर है। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनको प्रसाद में शराब क्यों चढ़ाते हैं। यहाँ पे ना एक एक्सीडेंट हुआ था ओम बना का बुलेट से। यहाँ से उनकी जो डेड बॉडी थी उसको लेके गया हॉस्पिटल, बुलेट भी जो थी वो भी हॉस्पिटल लेके गए। तो ये जो बाइक है ये हॉस्पिटल से अपने आप गायब हो गई। फिर जब पुलिस ने देखा तो वहाँ पे जो एक्सीडेंट का स्पॉट था ना वहाँ पे आके बाइक खड़ी हुई थी। तो उनको लगा कि किसी ने चोरी वोरी करी होगी वगैरह, बुलेट लेके गए दोबारा से ना। उन्होंने रात में गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी और चाबी अंदर रख ली पुलिस स्टेशन के। नेक्स्ट डे सुबह देखा तो बुलेट थी वो गायब पुलिस स्टेशन से। और वापस यहाँ स्पॉट पे आके देखा तो यहीं खड़ी हुई थी बाइक। तो उसका पेट्रोल निकाल दो पूरा, तो उन्होंने ड्रेन कर लिया पेट्रोल उसका पूरा और पुलिस स्टेशन के बाहर फिर से लगा दी गाड़ी। नेक्स्ट डे देखा तो फिर से वही सेम चीज़, जो बुलेट है ना यहीं खड़ी हुई है अभी। हाँ अभी यहीं खड़ी हुई है वो बुलेट। हाँ और यहाँ पे ना जैसे प्रसाद चढ़ता है ना, नारियल वगैरह कुछ नहीं चढ़ता, यहाँ पे शराब चढ़ती है। हाँ जो जिसको जितना चढ़ाना हो उतना चढ़ा सकता है, यहाँ शराब मिलती है चढ़ाने के लिए। फिर से बारिश शुरू हो गई है, लेकिन इस बारिश की वजह से कितनी ग्रीनरी आ गई है। अरे देखो रेनबो, अब इससे अच्छा ट्रिप का एंड क्या हो सकता है। अरे डबल रेनबो, क्या किस्मत है आज। राजस्थान का फ्रिज ये 100 रुपए में मिला, दरी भी लाए थे जो हमने गिफ्ट कर दी। तो इस तरह हमारी हरा भरा राजस्थान सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।